तो यू नो कि दैट इज फॉर्मिंग द क्यूबॉइड। अब जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे या टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, तो इसका जो ये वाले पोर्शंस हैं ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। इट मींस जब हम इसका जो रिजल्टेंट फिगर है उसकी जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो उसमें जो है आपके वो सिक्स फेसेस बन रहे हैं। अगर इंडिविजुअली हम इनको लेके चलते हैं, सिक्स फेसेस इसके हैं, सिक्स फेसेस इसके हैं, बट जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं एंड टू एंड, तो एंड टू एंड ज्वाइन करने पे क्या होगा, इसके सिक्स फेसेस रह जाएंगे। ये वाले जो फेसेस हैं ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो इसके अगर अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में क्योंकि अब ये आपकी एक क्यूब बन गई है, तो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट जो है वो सेम रहेगी, बट जो लेंथ है दैट विल चेंज। लेंथ में क्या होगा, जो इनकी अलग अलग एजेस थी वो दोनों आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज का वो इसी पे बेस्ड है। देन अगर हम बात करें कि हमने एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन लिया है, अब अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करती हूँ, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। इसके अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में आपने ये ध्यान रखना है, जब ये चीजें आपकी कंबाइन हो गई कि इसका बेस जो है इसके टॉप के साथ जब ये ओवरलैप हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। यानी कि अगर मैं अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो टोटल सरफेस एरिया में जो चीज अब मुझे विजिबल है दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस बेस ऑफ दिस सिलेंडर। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं जिसमें एक कोन और एक सिलेंडर आपने कंबाइन किए हैं, इन दैट क्योंकि अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो गया, पहले वाले ने कोन के बेस ने इसके टॉप को कवर कर दिया, इट मींस वो पोर्शन अब मुझे विजिबल नहीं है। जो पोर्शन विजिबल नहीं है दैट यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड इन द टोटल सर्फेस एरिया। तो जब हम इसके टोटल सर्फेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो दैट इज द कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ दिस कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि मुझे ये विजिबल है, ये विजिबल है और ये विजिबल है। सेम वे में अगर हम बात करते हैं एक हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सो आई एम जस्ट मेकिंग यू क्लियर थ्रू द फिगर कि अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करती हूँ, तो हेमिस्फीयर पे लेट अस सपोज मैंने ले लिया सिलेंडर। तो अब इसके जब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो उसमें ये वाला सरफेस एंड ये वाला सरफेस, यानी कि ये दो पोर्शन की बात हो गई। अगेन अगर ये हॉलो नहीं है, हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में क्योंकि ये सिलेंडर और ये जो हेमिस्फीयर है ये ओवरलैप हो गए, ये कवर हो गया, तो इट मींस जो मेरा फिगर बचा वो ये शेप रहेगा। तो जब मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगी, तो दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एज वेल एज दिस सर्कुलर पार्ट जो आपका सिलेंडर का है। तो आपने बस ये चीज का ध्यान रखना है, फिगर आप इमेजिन कर लेना अपने माइंड में, और अकॉर्डिंगली जब हम थिंग्स को कंबाइन करते हैं तो जो उसके दो पार्ट्स ओवरलैप हो गए वो टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होंगे, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बच्चे आपका जो फ्रस्टम वाला पार्ट है दैट वन इज डिलीटेड, तो दैट एक्सरसाइज वी विल नॉट डू। इन क्वेश्चन नंबर 1 हियर वी आर हैविंग टू क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। एक क्यूब ये है जिसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हमने दो 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले क्यूब्स ज्वाइन किए, तो जो हमारी फिगर फॉर्म हो रही है दैट वन इज अ क्यूबॉइड। सो दिस फिगर जो है ये हमारी क्यूबॉइड फॉर्म हो रही है। लेट मी शो यू लाइक दिस, नाउ इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। सो ये हमारा
क्यूबॉइड बन रहा है। अब दोनों का जो हमें वॉल्यूम गिवन है दैट इज गिवन टू बी 64। तो जब हम इसकी जो रिजल्टेंट फिगर है वो बनाएंगे तो दैट फिगर वी विल फॉर्म एज अ क्यूब। तो एक स्क्वायर ये हो गया, एक इसके साथ और ज्वाइन किया हमने, तो जो हमारा रिजल्टेंट बना दैट वन इज अ क्यूब, ये रिजल्टेंट फिगर हो जाएगा। तो दो क्यूब्स को ज्वाइन करके दिस इज द क्यूबॉइड फॉर्म। अब ये जो क्यूबॉइड बना है, नाउ यू कैन सी इसका हमें क्या गिवन था, जो क्यूब से उनके वॉल्यूम्स गिवन थे। तो वेन एवर यू आर हैविंग द वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब यू कैन फाइंड आउट द साइड ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम हमें गिवन है दोनों क्यूब्स की 64 सेंटीमीटर क्यूब, दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया की बात हो रही है तो इसके आगे क्योंकि कोई वर्ड यूज नहीं है तो इट मीन्स यू आर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो इन क्वेश्चंस में जहां पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। जहां पे लेटरल या कर्व्ड की बात होगी वहां वो वर्ड लेटरल या कर्व्ड आगे गिवन होगा। तो सरफेस एरिया मीन्स वी आर टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बोथ क्यूब्स 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज ए क्यूब। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है यूनिट, तो इट मीन्स जो एज ऑफ क्यूब आई, साइड ऑफ क्यूब आ गई हमारे पास दैट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ दिस क्यूब इज ज्वाइंट टू फॉर्म, दीज टू क्यूब्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड फॉर्म्ड फ्रॉम दीज क्यूब्स विल हैव, अब देखो इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 8 4 ये था और 4 ये था, तो लेंथ हो गई इसकी 4 प्लस 4 यानी कि 8। जब हम इसकी बात कर रहे हैं एज ऑफ क्यूब की तो ये साइड मुझे 4 गिवन है, ये भी मुझे 4 गिवन है, यानी कि क्यूबॉइड की मेरे पास साइड्स क्या हो गई, लेंथ हो गई 4 प्लस 4 8, ब्रेथ 4, हाइट 4। ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो उसकी लेंथ है दैट विल बी चेंज्ड। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड दैट इज अगेन 4 सेंटीमीटर। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको पता है अगर तो सम मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, सो दिस इज 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, दिस इज 80, सो दिस इज 160। क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर वन। सो लास्ट में आप लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क योर डाउट, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर टू वी आर हैविंग नाउ, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय आ गया मीन्स ऊपर आएगा वो, तो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, यानी कि हेमिस्फीयर आपने नीचे बनाना है, सिलेंडर आप ऊपर बनाएंगे। और इस चैप्टर के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आपने फिगर जरूर बनानी है, साथ में डायमेंशंस सभी मेंशन करने हैं,
अदरवाइज योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। टेस्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे फिगर नहीं बनी हुई है तो मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं। सो डू टेक केयर ऑफ दिस, फिगर आपने जरूर बनानी है। सो अ हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय अ सिलेंडर, तो ये फिगर बन जाएगी। दोनों हॉलो हैं, बीच में से खाली है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट वेसल की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हाइट जो है ये हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स रेडियस आ जाएगा इसका 7। जो वेसल के हेमिस्फीयर का डायमीटर है द सेम विल बी द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। आपको कहा उसने फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब जब इनर सरफेस एरिया की बात हो रही है क्योंकि ये बीच में से हॉलो है तो इट मीन्स हमारा जो वेसल का शेप बना वो ये बन रहा है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये वाला पोर्शन, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इट मीन्स जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हॉलो है तो ऊपर बेस का एरिया इसका नहीं बनेगा। सो यू नीड टू राइट आउट द डायमेंशंस, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज सिलेंडर। एच एस हेमिस्फीयर का मैंने शॉर्ट लिखा है बट आप फुल लिखोगे, एंड सिलेंडर this is given to be 14 centimeter. So if we are having the diameter we can find out the radius. So radius will be 14 by 2, that is 7 centimeter. Now the height of the total vessel is given to be 13 centimeter. Ab dekho height mein jo ye ban raha hai portion, ye jo hai this is equal to the radius of the hemisphere, yani ki yahan se yahan tak ka jo aapka hai distance, that is 7 सेंटीमीटर। टोटल आपको 13 गिवन है तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कितनी आ गई, 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। सो आप इसको लिख लोगे, टोटल हाइट ऑफ वेसल दैट इज 13 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ सिलेंडर this is equal to 13 minus 7, that is 6 centimeter. क्योंकि ये height जो है hemisphere के case में, this is equal to the radius of the hemisphere. Radius हमने यहाँ पे निकाला, that is 7. तो total height में से ये distance जो है आपका 7 आ गया, बाकी remaining आपने निकाल लिया दोनों को subtract करके, 13 minus 7, that is 6 centimeter. Now we need to find out the inner surface area of the वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो है दैट इज गिवन बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। अब दोनों केसेस में आर सेम है तो आप 2 पाई आर कॉमन लेके भी अपनी कैलकुलेशंस इजी बना सकते हो। सो दिस इज 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू हाइट आपको 6 गिवन है, रेडियस इज आर। सो कैलकुलेशंस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर।
माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कोन के ऊपर जो है हेमिस्फीयर पे जो है माउंटेड क्या है, कोन है, यानी कि अगेन ये आप नीचे की तरफ बनाओगे हेमिस्फीयर जो है और कोन आपका ऊपर की तरफ बनेगा। बिल्कुल सेम वे में फॉलो करेंगे हम। सो हमें गिवन क्या है, ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का, दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो ये पूरी हाइट हमें 15.5 गिवन है, तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगी हमारे पास 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट है मेरे पास, कोन का रेडियस है मेरे पास, सो आई नीड टू फाइंड आउट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने क्या कहा था, जो दो बेसिस ओवरलैप हो जाते हैं टोटल सरफेस एरिया में हम वो नहीं लेते। यानी कि जब मैं अब इस फिगर की बात करूंगी तो टोटल सरफेस एरिया में एक ये पार्ट मुझे विजिबल है और एक ये पार्ट जो है वो विजिबल है। इट मीन्स इफ वी आर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर प्रॉपर वे में इमेजिन करके ध्यान से आपने सॉल्यूशंस करने हैं। अब डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन मुझे गिवन है, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो सीधा हम रेडियस की बात करते हैं, डायमीटर नहीं गिवन है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन दोनों सेम गिवन है। मोस्टली जब इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही होती है वो सेम ही होते हैं। क्वेश्चंस हाँ ऐसे आते हैं जिसमें वो डिफरेंट होते हैं, तो देयर वी नीड टू फाइंड समथिंग एल्स। अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल मुझे गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे सेम प्रीवियस केस में था ये हाइट 3.5 होगी, तो माइनस कर देंगे 3.5, तो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर। सो द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। सो कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, तो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट एल, क्योंकि एच नहीं है अब यहाँ पे, एल है, तो हमें एल फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट वी नो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट एल। एल निकालने के लिए यू नो द फॉर्मूला दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। रेडियस मुझे 3.5 गिवन है, तो दिस इज 3.5 स्क्वायर प्लस हाइट जो है दैट इज गिवन टू बी 12, तो दिस इज 12 स्क्वायर अंडर द रूट। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ, दिस इज 35/10 सो दिस इज 7/2 49/4 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 576 अंडर द रूट, सो दिस इज 625/4 दैट इज 25/12.5। आप चाहो तो इसको डेसिमल्स में भी कर सकते हो, तो स्लांट हाइट जो है मेरे पास 25/2 यानी कि 12.5, जैसे इजी लगे। 25/2 से कैलकुलेशंस अगर इजी लगते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। सो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इज 22/7, आर है हमारे पास 3.5, एल है 25/2 प्लस 2 × π 22/7, आर इज 3.5। 3.5 को यू कैन राइट डाउन 7/2 ऑल्सो, वहां से आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी।
सिंप्लीफाई करो एंड देन यू विल गेट योर आंसर. कैलकुलेशंस यू विल डू योरसेल्फ. सो जो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा दैट विल बी 214.5 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना बीच की, सिंप्लीफिकेशन यू विल डू योरसेल्फ. सो द आंसर विल बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर हैविंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान देना है. जैसे लेट अस सपोज कि मैं इस फिगर को ओवरलैप कर रही हूँ इस फिगर के साथ. तो अब यहाँ पे क्या है, यू कैन सी क्लियरली कि ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये पोर्शंस बच रहे हैं, इसको ओवरलैप नहीं हो रहे हैं. अब यहाँ पे सेम वे में, क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी हेमिस्फीयर अवेलेबल नहीं है, तो आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन थ्रू दिस कोन. मेन जो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपका हेमिस्फीयर का ये बेस इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसको जो है इसके ऊपर सरमाउंट होगा, तो हेमिस्फीयर भी आपका नीचे से सर्कुलर शेप में होगा. तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है साइड्स के, ये 4 जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन उससे ओवरलैप नहीं होगा. जो ये क्वेश्चन हमने किए थे सेम रेडी आए थे, तो दोनों बेसिस जब आपने ओवरलैप किए तो वो एक दूसरे को कवर कर रहे थे. बट जब हम एक क्यूबॉइड को या क्यूब को एक उसके ऊपर हेमिस्फीयर को रखते हैं, तो वो पूरा का पूरा उसको कवर नहीं करेगा. इसका अगर मैं एक 2D व्यू लूं, तो जो मुझे पोर्शन दिखेगा दैट विल बी समवट लाइक दिस. यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे अभी भी विजिबल है. तो जब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, तो उस सरफेस एरिया में से इस फेस का एरिया यानी कि ए स्क्वायर, उसमें से ये सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगी तो दैट पार्ट इज स्टिल विजिबल टू मी. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं. इफ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू आर टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस एरिया ऑफ स्क्वायर. तो सेम चीज हमने यहाँ पे करनी है. ये एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एक फेस बनेगा जो भी हमें क्यूब या क्यूबॉइड गिवन है उसका. इस केस में मैंने ये क्यूब का शो किया है और सर्कल जो है दैट विल बी द टॉप ऑफ दैट टॉप और बेस ऑफ जो आपका हेमिस्फीयर गिवन है. तो सर्कल के केस में हेमिस्फीयर का बेस सर्कुलर यानी कि रेडियस आई विल बी हैविंग, और जो भी क्यूब या क्यूबॉइड गिवन है उसकी डायमेंशंस मेरे पास होंगी, तो आई कैन इजिली सॉल्व दिस. तो बस ये चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. अब यहाँ उसने क्या कहा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. तो क्यूबिकल ब्लॉक है दैट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. तो इसके ऊपर जब मैंने हेमिस्फीयर जो है वो बनाया, तो इट मींस जो मुझे उसका टॉप दिख रहा है दैट विल बी दिस. तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये कवर्ड होगा, ये हमें विजिबल नहीं होगा. जो ये साइड्स हैं दिस पार्ट विल बी विजिबल टू अस. अब क्या कह रहा है वो आगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. अब ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव दैट दिस विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. क्यूब के एज के ऐसे क्वेश्चंस आपने 9th में भी किए हुए हैं. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. अब जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका, तो इट मींस ये वाला कर्व्ड पोर्शन आएगा आपका हेमिस्फीयर का. देन जो आपके 5 फेसेस हैं जो स्फीयर बन रहा है, स्फीयर नहीं, जो बाकी क्यूब के 5 फेसेस हैं, वो एक बेस होगा विजिबल है, क्योंकि वो भी ये विजिबल है, ये विजिबल है, बैक साइड विजिबल है, इसकी ये वाली साइड विजिबल है, फ्रंट जो है टॉप जो है वो हमें ये पोर्शन विजिबल है. तो इट मींस जो हमारा
इसका सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू, उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिक्स फेसेस यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे। जो टॉप का फेस है उसमें से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, और इनके बीच में जो ये वाला कर्व्ड पोर्शन उसका है हेमिस्फीयर का, दैट विल बी एडेड। तो इट मींस जो आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इज गिवन बाय एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, अब टोटल सरफेस एरिया में ये वाला स्क्वायर ऐड हो गया, इसमें से हम माइनस करेंगे ये हेमिस्फीयर के बेस का एरिया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, और उसमें हम ऐड करेंगे ये कर्व्ड पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इट मींस प्लस कर दोगे आप 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ओवरऑल मैं फॉर्मूला देखूं तो दिस इज 6a स्क्वायर, 6 के 6 फेसेस ऐड हो गए, इसमें से मुझे ये पाई आर स्क्वायर जो हेमिस्फीयर का बेस है वो एरिया सर्कल की शेप है वो माइनस करना है, प्लस जो ये है 2 पाई आर स्क्वायर ये मुझे प्लस करना है, यानी कि अगर मैं ओवरऑल फॉर्मूला इसका देखूं तो दैट विल बी 6a स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस दोनों केसेस में सेम है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ए साइड ऑफ क्यूब यू आर हैविंग आर आप निकाल लोगे, क्योंकि पहले उसने हमें डायमीटर कहा है कि कितना मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, तो डायमीटर जो है दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो जितनी हमें एज ऑफ क्यूब गिवन है उतना डायमीटर हो जाएगा, हाफ करोगे यू विल गेट द रेडियस एंड देन यू विल प्रोसीड। सो ये क्वेश्चन यू विल डू एज योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो यू विल डू इन योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। आई होप द फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नो। नाउ ये वाला हमने अब फॉर्मूला यूज करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा रिजल्टेंट सॉलिड बन रहा है दैट इज 6 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इनके फॉर्मूलाज पुट करके दिस इज 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आर आपका 7/2 आ जाएगा, ए आपको क्योंकि साइड ऑफ क्यूब 7 गिवन है, तो दिस यू विल डू योर सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है बिल्कुल, बस उसमें क्या वो कह रहे हैं कि जो है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर वन ऑफ द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जहां पे हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम कुछ उसमें से स्कूप आउट करते हैं कट आउट करते हैं तो वो शेप वहां पे बन जाती है। जैसे अब मैं एक क्यूब है, मान लो क्यूब में से जब मैं एक हेमिस्फेरिकल जो है डिप्रेशन ले रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा घर पे आप आइसक्रीम की ब्रिक्स लेके आते हो, ब्रिक्स में से जब आप उसको स्कूप आउट करते हो, आपकी जो उसकी सर्विंग स्पून होती है दैट इज ऑफ द शेप ऑफ अ, उसका जो बेस है दैट इज ऑफ द शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर, तो जब आप उसमें से स्कूप आउट करते हो आइसक्रीम को तो वहां पे जो शेप है वो बन जाती है ऑलमोस्ट हेमिस्फेरिकल। तो अब वहां पे अगर आप सरफेस एरिया की बात करोगे, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मुझे वहां पे दिख रहा है, जब मुझे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो सरफेस एरिया मीन्स मुझे वो सारी डायमेंशंस लेनी है ऑन विच आई कैन मूव माई हैंड। तो जब ये स्कूप आउट हुआ यहाँ पे तो ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है दिस इज स्टिल विजिबल, वहां पे हम अगर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये शेप हमें वहां पे दिख रही है, तो इट मींस ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद बाकी जो जो विजिबल है सारी 5 की 5 जो फेसेस हैं वो विजिबल होंगे, जो टॉप फेस है टॉप फेस में से जो था स्कूप आउट कर दिया, अब क्योंकि उसको हेमिस्फीयर की शेप में स्कूप आउट किया है तो स्टिल क्योंकि वो हमारा क्यूब गिवन था तो दिस पोर्शन इज स्टिल विजिबल, यानी कि अगेन सेम चीज बनेगी 6a स्क्वायर में से जो उसका है ये वाला 6th फेस से ये वाला पोर्शन अभी भी विजिबल है जब मैंने उसमें से स्कूप आउट किया, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये टॉप का बन गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो यहाँ से पोर्शन रिमूव होके ये चीज बनी है, तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस
हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद ये जो रिमूव हो गया तो -π r² किया, और इस फेस को भी हमने क्यूब के साथ कंसिडर किया है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a² + π r² सो चाहे आप हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ ले रहे हो, चाहे हेमिस्फीयर उसमें से स्कूप आउट कर रहे हो, द टोटल सरफेस एरिया, व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया फॉर दैट, तो उसका फॉर्मूला आपका 6a² + π r² आपने लेके चलना है, और इस केस में हमेशा जो साइड है दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अगर अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर एल गिवन था, तो इट मीन्स जो एज ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब आप लेके चलोगे दैट विल ऑल्सो बी एल, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 वी विल डू टुमारो। इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टूडेज लेक्चर देन यू कैन आस्क योर डाउट्स।